वेब टीवी अते ताजी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हां दविंदर सिंह। अज असी चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन च पहुंचे हाँ, जिथे तुहानू दस दईए कि रोज़ फैसटिवल जिहड़ा हैगा 2023 का 51वां रोज़ फैसटिवल है। तो करोना तो बाद जिहड़ा हैगा लगातार 2 साल भावें कि रोज़ फैसटिवल नहीं होया, पर तुहानू जिहड़े तां आस पास के इलाकों तो लोग या पंजाब भर चो या होर स्टेटा चो लोग इत्थे पहुँचते हैं, 3 दिन का जिहड़ा ये रोज़ फैसटिवल आ वो चलना। पर जिहड़े लोग अपने घर किसी कारण करके इस रोज़ फैसटिवल नहीं देख सकते, उन्होंने असी अज अजीत वैब टीवी के राही जिहड़ा हैगा इस रोज़ फैसटिवल च घुमावांगे ते दिखावांगे तुहानू कि किस तरीके दे गुलाबां दे फुल ने जिहड़े या होर की कुछ इस रोज़ फैसटिवल च इस बार सानू वेखण नू मिलेगा, तुहानू सारयां नू वेखण नू मिलेगा। सो अज आओ तुहानू घुमाउने आ रोज़ फैसटिवल। जिवें कि तुसी मेरे पिछे देख रहे हो, असी जदों तुसी रोज़ गार्डन का जिहड़ा फैसटिवल लग्या होया 2023 का, ये मेन एंट्रेंस आ। इस एंट्रेंस तो जदों तुसी अगे आउने हो तां इस तों बाद जिहड़ा हैगा ये सारिया एग्जीबिशन इतने लगिया हुई ने, फुलों के वक् वक् तरह किस्मां दी जिहड़ियां प्रदर्शनियां ने वह इत्थे लगियां हुई ने। तो दूसरे पासे जेकर मैं इस टेंट की गल करां तां इह जिहड़ा टेंट हैगा वह चंडीगढ़ पुलिस वल्लों लगाया गया, इत्थे CCTV जिहड़े लगाए गए ने या होर जिहड़े सुरक्षा के प्रबंध ने जिहड़े वह सारे इस थां तों जिहड़ा हैगा वह अनाउंसमेंट वगैरह या होर जिहड़े वक् वक् तरीके दे प्रबंध ने जिहड़े पुलिस प्रशासन के वल्लों चलाए जांदे ने वह इत्थे इतों जिहड़ा हैगा मैनेज किए जाते हैं सारे। सो हुण तुहानू अगे भी लैके चलांगे ते अगे भी तुहानू दिखावांगे कि किस तरीके दे नाल इह सारा जिहड़ा इस वार दा रोज़ फैसटिवल आ उह रख्या गया है। चंडीगढ़ प्रशासन दे वल्लों तकरीबन जिहड़ा हैगा 2.25 करोड़ रुपए का बजट जिहड़ा वह इस साल रख्या गया है इस फैसटिवल का। तो इस बार यह भी खास है गल कि जिहड़ा लाइटिंग शो जिहड़ा शाम नूं कीता जाणा उस दे लई भी 2.25 करोड़ रुपए का जिहड़ा बजट है वह विशेष तौर पर रख्या गया। तो इस बार केंद्र दा जिहड़ा आप कह सकते हैं कि लोगों की खिच का केंद्र जिहड़ा हैगा वह लाइट शो बनेगा, तो वह भी तस्वीरां तुहानू जरूर दिखावांगे असीं। पर तुहानू लैके चलदे आं, आओ घुमाउंदे आं तुहानू रोज़ फैसटिवल। रोज़ फैसटिवल च तुहानू घुमा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि की एग्जीबिशन जिहड़ियां लैके इत्थे वख-वख संस्थावां वख-वख नर्सरियां पहुंचियां ने। इस दौरान कॉलेज NIFT मोहाली कॉलेज तो पहुँचे ने, यह की कुछ खास लैके आए ने गलबात करांगे ते जाणांगे। सर पहली गल तो कित्थों आए हो ते अज की कुछ खास लैके आए हो इस एग्जीबिशन च? मेरा नाम कमलजीत सिंह है। असी नॉर्दन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दी वल्लों एक प्रदर्शनी लाई हुई है जिहदे च असी अपनी जनता नूं अवेयर करना चाहते हैं कि साडा जिहड़ा कॉलेज है ये डिज़ाइन मैनेजमेंट ते टेक्नोलॉजी हो की रहा है कि भी अजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़न दे बाद या तो बाहर जा रहे हैं, जॉब का जिहड़ा है स्किल लैवल जिहड़ी है साडे कोर्स से तुहानूं स्किल लैवल जिहड़ा है वह जरूर मिलेगा। अज की डेट से जिन्नी भी साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वो प्रमोट कर रहे कि स्किलनेस होनी चाहिए। ये कोर्सेज जिहड़े है इहदे च तुहाडे टैक्सटाइल साइंस तुहाडे प्रोडक्शन इहदे च जिन्ने भी बच्चे इनटेक होंदे वो किसी भी स्ट्रीम तो हो सकते हैं, तो साडे आर्ट्स तो साइंस तो मैडिकल नॉन मैडिकल फील्ड तो होकर वो BSc दे कोर्स और MSc दे कोर्स कर सकते हैं। मेरे नाल इसे कोर्सेज़ नूं डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज़ च, फैब्रिक मैनुफैक्चरिंग जिहड़े कि डॉक्टर श्वेता हैगे ने इस दे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हैगे ने, गारमेंट मैनुफैक्चरिंग जब फैब्रिक बन जाता उसके बाद गारमेंट मैनुफैक्चर होंगे, गारमेंट मैनुफैक्चरिंग तुसीं वेरियस उसके बाद देखते हो ब्रांडिंग होंगी है, तो ब्रांडिंग वास्ते साडे जिहड़े है डॉक्टर अमीता हैगे ने फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट से, साडा जिहड़ा डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री एंड कमर्स और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर असीं गवर्न कर रहे हैं। से इस चीज़ नूं देख के कि बच्चों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अवेयरनेस आए कि साडा प्रोग्राम जिहड़ा है वह पिछले 27 सालों तो केटर कर रहे ये बहुत गुम चुकया है और बच्चों की सब तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हैगी है इस टैक्सटाइल इंडस्ट्री। तुसी IT इंडस्ट्री देख लो, तुसी अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख लो, तो 3rd नंबर पर जिहड़ी साडी है कपड़े की इंडस्ट्री सब तो ज़्यादा फेमस है। कुछ दिखा दिओ लैके की आए हो, कुछ दिखा दो ना उहदे बारे जानकारी भी दे दो। डॉक्टर श्वेता इस टैक्सटाइल है, ये टैक्सटाइल का ये देखो तुसी देख रहे हो वीविंग पैटर्नस है साडे बच्चे हैगे साइंस वीव करके दिखाएंगे अभी। हाँ जी, ये सब हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया हुआ है वीविंग, ये आप देख रहे हो लूम है। यहाँ पे ऐसे ही फिजिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है हमारे स्टूडेंट्स को, जितना भी ये बनाया हुआ है सब हमारे स्टूडेंट्स का ही है। ये पेंटिंग, ये सारे रफल्स एंड ऑल, ये सब स्टूडेंट्स को इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, दैट इज़ अ नीड ऑफ आवर। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, हमारे स्टूडेंट्स सारे वहाँ पर प्लेस्ड हैं। कोई भी आप ब्रांड ले लो वहाँ पर आपको एक ना एक निफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा निफ्टियन। तो
इस तो अलावा भी कुछ होर भी हैगा या फिर स्टूडेंट्स हैं सारे और ये स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है अपनी अपनी कलाकारी से। ये सारे दुपट्टा जो आप देख रहे हैं, वॉल हैंगिंग्स देख रहे हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी। और ये सब हमारे बच्चे खड़े हैं, ये ग्रेजुएट्स हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हैं। मास्टर्स में भी हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास मास्टर्स इन डिज़ाइन है, हमारे पास मास्टर्स इन फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, एंड मास्टर्स इन गारमेंट मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो नवे नवे मतलब डिज़ाइन द चीज़ा तैयार की ने, पर कॉस्ट भी बड़ी लोगों मायने रखती है, है ना। कितना कितने लोगों को यह लगता भी नवी चीज़ कोई मार्केट उतरती है, वह रेट बहुत हाई हों। उसके मार्केटिंग सिखाया जाता है, जिमें आप कहने मार्केट सैगमेंटेन, तो सैगमेंटेन करके उसी तरह ही बच्चे क्लाइंट प्रोफाइल पहले स्टडी करते हैं, तो क्लाइंट प्रोफाइल के दिमाग रख के ही डिजाइनिंग करते हैं, तो हर स्टूडेंट हर क्लाइंट केटर करने बनाता है। ये पेंटिंग की खास है, ये हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे, बताओ। ये हमारा डिपिक्शन है पाब्लो पिकासो का, हमारी कोर्सेज में आता है, तो हमें अलग अलग पेंटर जो हर एरा के होते हैं उनकी पेंटिंग बनानी होती है। दिस इज़ पाब्लो पिकासो, दिस इज़ वेस्ली कैंडिंस्की, एंड इसके बाद अगेन SH राजा। ये इनको एक टॉपिक दिया गया, ये टॉपिक्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंडर आता है ये सब कुछ। पीएट मॉन्ड्रियन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यू सी हियर सब स्टूडेंट्स का है। ये जो हर एरा के पेंटर्स होते हैं उनकी पेंटिंग्स को डिपिक्ट करके बनाया गया है सब कुछ। बहुत चंगा काम है तुहाड़ा, ते तुसी सारे ही बधाई दे पात्र हो, बड़ा वधिया तुसी सारा काम करके लेके आए हो। हाँ जी, जे जानकारी लेना चाहते हो तुसी, क्योंकि ये साइंस कोर्सेज है ने, ते ये सारे बच्चे ये स्किल बेस्ड है, इन्हां दी प्लेसमेंट्स भी बहुत वधिया कंपनी च, जिदा विंसन तुसी सुनी होनी, मालवा सुनी होनी, स्पोर्ट्स किंग सुनी होनी, जारा हो गई है, वेरियस कंपनीज है जी इन्हों ईजली ग्रैप कर लेनी है। सो ये साढ़े स्टूडेंट्स हैं, इन्हों ही पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। हाँ ठीक है, तुहाड़ी गल ये सारे फैशन डिजाइनिंग के कोर्सों से संबंधित ने, पर इन्हों का फ्यूचर स्कोप किन्ना है इन्होंने कोर्सों का? सर इन्होंने कोर्सों का यह कि भी प्लेसमेंट 100% है, 100% इन टर्म्स, ये जिन्हें भी बच्चे है ये पहला इंटर्नशिप जाते हैं, कि जब असी कोर्स करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुसी हमने शुरू किया कि इंटर्नशिप होनी चाहिए, इस असी पिछले 27 सालों तो इंटर्नशिप करा रहे हैं इंडस्ट्री, जो लास्ट मंथ होता है सिक्स मंथ्स, जो 6 मंथ है इंडस्ट्री से ही काम करते हैं, उत्थे ही काम करके उत्थे ग्रैब हो जाते हैं, और उस टाइम साडा रिसर्च प्रोजेक्ट बच्चों को दिता जाता है। ये बच्चे जोड़े है उसी इस फील्ड में कैटर कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री से काम करते हैं, और इन्हों का उत्थे काम करना कंपलसरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नाल साडा जिहड़ा कोलैबोरेशन होकर साडा कॉलेज सैटअप किया गया, नॉर्दर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और ये पंजाब सरकार का कॉलेज हैगा, से ये पंजाब सरकार का कॉलेज स्किल बेस्ड है। लोगों को अवेयरनेस बहुत घट है, लोग ये है कि वे IT कंपनी साइड जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जिहड़ा कोर्स है साडा ये साइंस कोर्सेज है ने, और ये अंदर बच्चे जिन्हें भी है वेरियस फील्ड तो आते हैं, बाद चो ग्रेजुएट बनते हैं साइंस से, तुम चाहे आर्ट्स फील्ड चो चाहे कॉमर्स फील्ड चो चाहे कुछ भी हो, साडे वास्ते ये है कि भी असी स्किल प्रोड्यूस करना है, और स्किलनेस वास्ते सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। एक बार तुसी सारे अपना अपना नाम दस्स दिओ। शोभिता, एंड आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर। खुशी बियानी, एंड आई एम अ फैशन स्टूडेंट। निपुण, आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर। श्रेया चौधरी, आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। खुशी नागपाल, आई एम फ्रॉम फैशन डिपार्टमेंट। ऋषिका, एंड आई एम फ्रॉम फैशन डिपार्टमेंट। सारे ने बड़ा वधिया काम किया, तो सारे वधाई दे पात्र हो, तो मेरे ख्याल मैडम कुछ दिखाना चाहते। हाँ जी जरूर दिखा दो। नाल दी नाल मैं पता की है, मेरी रिक्वेस्ट है कि नाल दी नाल ना थोड़ा जहा दस भी दौ कि किस तरीके दे नाल सारा प्रोसैस जिहड़ा हैगा ओह काम करदा। आजो प्लीज बताओ, एक्सप्लेन करो। बता रहे हैं, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू, क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा ओके, हम करके प्रैक्टिकल ही विल डू, करो लिफ्टिंग मैम, ही विल डू द प्रैक्टिकल, यू कैन प्लीज कम ओवर देयर एंड एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स। सर ये हैगा वॉप एंड बैक, खड्डी दा काम हैगा जिहदे च असीं लोकां नूं वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन किद्दां पाने है, चाहे तुहाडी चादरां हो गईआं, चाहे पर्दे हो गए, कुछ हो गए। मेरे ख्याल नाल इह कंसैप्ट तां उही है ना, जिस तरीके दे नाल पहलां घरां दे विच बुजुर्ग जिहड़े हुंदे सी ओह दरियां तैयार करदे सी, फैब्रिक नहीं बन सकदा, इह फैब्रिक बनांदा है। जिन्ने भी नवे डिजाइनरस हैगे या ब्रांड हैगे, पहले फैब्रिक ते डिजाइनिंग हुंदी है, ते मैम तुहानूं दस्सणगे कि किवें खड्डी ते बनदा है। डॉक्टर श्वेता, हिंदी च बोल लो, पर इधर आ जाओ। हाँ जी, इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोल। तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइन करिकुलम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम वीविंग कहते हैं। फैशन शुरू ही वीविंग से होता है,
सो जब तक कपड़ा नहीं होगा, नया डिज़ाइन का कपड़ा मार्केट में नहीं आएगा, तो फैशन डिज़ाइनर भी काम नहीं कर सकता। इसके हम बैकबोन कहते हैं डिज़ाइन की। सो हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसमें हम वीविंग, जो बहुत सारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स नहीं कराते और इट इज़ डाइंग, सो वी डू वीविंग एंड उसके अंदर बच्चे नए नए कपड़े को, डिज़ाइंस को बनाते हैं और नए नए मटेरियल को एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो मार्केट में, इंडस्ट्री में लॉन्च करते हैं। बहुत धन्यवाद। सो असी तुहानू होर भी इस रोज़ फैसटिवल बहुत सारे होर भी एग्जीबिशन जिहड़ियां ने वो लगियां होईयां ने, जिवें तुसीं इह देखोगे ये नर्सरी वाले ने कोई, तो यह जिहड़ा हैगा फुल्लां दे इत्थे अलग अलग तरह के जिहड़े हैगे आ वो इस वारी अपने जिहड़े आ वो लैके आया पौधे, तो इन्हां नाल गलबात भी करांगे कि कुछ लैके आए हो इस वारी खास। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ पड़ी हुई है, ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है, जैसे आप अपने गार्डन को कैसे एक एस्थेटिक लुक दे सकते हो प्लांट्स और फूलों के ज़रिए। हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, जैसे नारंगी हो गया जिसको हम खा भी सकते हैं, एज अ फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हमने शेप और साइज़ दे के ऐसा बना दिया है जिसको देखने में अच्छा लगे। और हमने ये चीज़ें दिखाई हुई कि हम अपने गार्डन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे वो चिड़िया के घोंसले लगा के हो या इनके स्टिक्स लगा के या बर्ड हाउस लगा के। हाँ जी, नहीं ये सारे इंडोर ने या आउटडोर भी है? इनमें कुछ इंडोर भी हैं, कुछ आउटडोर भी हैं। ये स्टॉल के वजह से हमने बस ऐसे सेटअप करा हुआ है, वैसे इनमें कुछ इंडोर भी हैं, कुछ आउटडोर भी प्लांट्स खास है या जेड़े आम मार्केट में नहीं मिलते तुहाडे कोल होणगे? ये जेड है, वेरीगेटेड जेड, ये पूरी ट्राई सिटी में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। इसकी कॉस्टिंग है 12,000 रुपये और ये पूरी ट्राई सिटी में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो छोटा मिलेगा, इतनी बड़ी हाइट का किसी के पास नहीं मिलेगा। हाँ जी, कितनी कितने फुट की हाइट दी हो जाती है ग्रोथ? ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, ये अराउंड 10 साल का पौधा है और इसमें हमने 2 पॉट लगाए हैं वो हाइट बढ़ाने के लिए। ये ज़्यादा 3-3.5 फुट का है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो होर भी बहुत सारे जिहड़े हैगे आ नर्सरियां जिहड़ियां ने उत्थों इत्थे जिहड़े हैगे आ वो पहुँचे आ, नर्सरियां बहुत सारियां आईयां ने। तो ये तस्वीरां दे विच जिवें तुसीं देख सकते हो कि यही खासियत आ इस रोज़ फैसटिवल की, कि इत्थे वख-वख नर्सरियां तो लोग आउंदे ने, वो दिखाउंदे ने कि किस तरीके दे नाल तुसीं अपने घरां अंदर अपनियां पार्कां दे विच जिहड़ा हैगा रोज़ वगैरह लगा के जिहड़ा हैगा उहनां दीआं खूबसूरती है जिहड़ी अपने घर दी अपनियां पार्कां दी उहनां नूं वधा सकदे हो। कित्थों आए हो तुसीं? मोहाली 117। मोहाली से आए हो? ओके, तो इस वारी पंजाबी आती है? हाँ जी। ओके, तो इस बारी कुछ खास लैके आए हो या फिर उही जिहड़े पुराने रूटीन दे विच अजकल फुल चलदे उही लैके आए हो? नहीं, सीजनल भी है, सारे होगा, इंदौर भी होगा, आपको जितना भी होगा सब मिलेगा, पर पानी कम देवे बस, पानी ना हिसाब नाल चलते बूटे, जरा कोको पीती है उस नाल भी चलते। सो इस तो बाद तुहानू लोकां दे भी रिव्यू जिहड़े आ तुहाडे नाल जल्द सांझे करांगे, ते तुहानू बाकी दा भी जिहड़ा रोज़ फैसटिवल लग्या होया वह भी तुहानू घुमाउणे आ जाओ। लो जी, जिवें असीं तुहानू दिखाया कि इस वार दा रोज़ फैसटिवल आ जिहड़ा वह किस तरीके दे नाल चल रहा, असीं तुहानू तस्वीरां दिखाईआं ने ते तुहानू घुमाया है। असीं उम्मीद करदे हां कि तुहानू इह जिहड़ी वीडियो आ उह पसंद आई होवेगी, कि ते असीं इह वी उम्मीद करदे हां कि जिहड़े लोक अजे भी अपने घरां दे विच बैठे ने ते इस रोज़ फैसटिवल च नहीं पहुँचे, वह अजे कल दा दिन उहनां कोल हैगा है, ते कल नूं मेरे ख्याल कल दा आखिरी दिन है, कल नूं इस रोज़ फैसटिवल ने जिहड़ा हैगा वह खत्म हो जाणा है, ते अगले साल मुड़ तों नवीआं यादां दे नाल नवीआं जिहड़ीआं हैगीआं ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।